लोकसभा चुनाव 2024 का रण चल रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, वीवीपीएट और ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। वीवीपीएट वेरिफिकेशन की सभी याचिकाएं खारिज की हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ईवीएम से ही होगा मतदान, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। ईवीएम और वीवीपीएट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी, फैसला सुरक्षित रखा था, आज फैसला आया। बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ईवीएम और वीवीपीएट पर अविश्वास न करने वालों को झटका लगा है, उन्होंने कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविश्वास न करने की बात कही गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है, ईवीएम और वीवीपीएट को लेकर याचिका दायर की गई थी, 100% मिलान संभव नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज की गई है। ईवीएम और वीवीपीएट अविश्वास को लेकर बात की गई, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, इससे पहले इस पर सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, और आज फैसला आया है। तो चुनावी मौसम में ये बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आती हुई। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रदीप, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, काफी बहस इस मामले पर चल रही थी कि वीवीपीएट और ईवीएम का मिलान हो, किस तरीके से वोटिंग होती है, कई सवाल उठाए गए थे। देखिए, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, ईवीएम को सुप्रीम क्लीन चिट मिल गई है। इस फैसले के बाद ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम फैसला लिया है उसमें साफ किया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा, और साथ ही ईवीएम और वीवीपीएट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि 45 दिनों तक वीवीपीएट की पर्ची जो है वो सुरक्षित रहेगी, और ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रखी जाएंगी। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का वीवीपीएट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए आया है। बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी वो खारिज कर दी गई है। तो कोर्ट के फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की जो वीवीपीएट पर्चियां हैं उनका 100% मिलान, उस मांग को झटका लगा है। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले से साफ हुआ है कि जो मतदान है ईवीएम मशीन से ही होगा, ईवीएम वीवीपीएट का 100% मिलान वो नहीं किया जाएगा, 45 दिनों तक वीवीपीएट की पर्ची वो सुरक्षित रखी जाएगी, ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रखी जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि चुनाव के बाद जो सिंबल लोडिंग और यूनिट है उनको सुरक्षित सील कर सुरक्षित रखा जाए। ये भी निर्देश दिया गया है कि उम्मीदवारों के पास जो नतीजे की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम है उनके द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। तो ये भी इसमें फैसले में ये साफ किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जस्टिस खन्ना ने ये भी कहा है कि वीवीपीएट वेरिफिकेशन का जो खर्चा है उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर किसी स्थिति में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई या ईवीएम को किसी तरह का नुकसान पहुंचा था उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। तो ये साफ है कि इस फैसले के बाद कुछ तस्वीर साफ की गई है। हालांकि विपक्षी पार्टियां मांग कर रही थी कि 100% वीवीपीएट जो पर्चियां चल रही हैं उनका मिलान सुनिश्चित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से कहीं ना कहीं तस्वीर साफ करने की कोशिश की है, जो इसको ईवीएम को लेकर विवाद चल रहा है, यानी बैलेट पेपर नहीं लौटेगा, ईवीएम से ही मतदान होगा। अगर आपत्तियां हैं तो उसके लिए भी टेक्निकल क्लियरिटी वो साफ करते हुए आदेश में स्पष्टीकरण दिया गया है। जो याचिकाएं लगाई गई प्रदीप, कई विदेशों का जिक्र किया गया, वहां की चुनाव प्रणाली का जिक्र किया गया, कहा गया कि ईवीएम को उन्होंने अवॉइड किया है, लेकिन और दूसरी तरफ नाराजगी क्या थी और गड़बड़ कहां, क्योंकि कई उदाहरण दिए गए थे कि देखिए कुछ वोटिंग कहीं और हो रही है और किस पर्ची कुछ और बता रही है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ईवीएम और जिसको लेकर वीवीपीएट को लेकर ये कहा गया कि इसमें जो पेपर ऑडिट ट्रेल है वो मशीनें डिवाइस से जुड़ी गई हैं और कहीं ना कहीं इसमें ईवीएम में छेड़खानी संभव है और इसीलिए इसका मिलान सुनिश्चित किया जाए, विपक्षी पार्टियों की ओर से ये प्रमुख मांग की गई थी और इसको लेकर ये याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें खासतौर से इसकी पैरवी कर रहे थे यहाँ पर जो जाने माने वकील हैं
और इसमें कई आपत्तियां दर्ज कराई गई थी पिछले दिनों, जिस तरीके से इस पर पूरी प्रक्रिया में अलग अलग मोड़ देखने को मिले थे, तो ये जरूर है कि इस पर कई आपत्तियां थी, लेकिन अब इन आपत्तियों को खारिज करते हुए, याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। तो निश्चित तौर पर चुनावी टाइमिंग के बीच ये काफी अहम फैसला माना जा रहा है। इसके साथ ही जो ईवीएम से जुड़े विवाद हैं उनको यहाँ पर विराम देने की कोशिश इस फैसले के जरिए वो दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा विवाद था उसको लेकर विराम लगाया गया है, कई बिंदुओं को साफ किया गया है। अब क्योंकि फैसला भी आया है, इसके टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं उसको लेकर जरूर कानूनविद चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद इस पर कुछ स्पष्टीकरण और साफ होगा। प्रदीप, चुनाव आयोग पर लगातार ये सवाल, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चुनाव आयोग आते थे तो एक सवाल किया जाता था कि ईवीएम को लेकर तमाम पार्टियां सवाल उठाती हैं, तो वो हालांकि स्पष्टीकरण देते थे, अब इस फैसले के बाद उनको भी बल मिला, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब सवाल नहीं उठाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया आई है इलेक्शन कमीशन की? देखिए बिल्कुल, और जब ये सवाल पूछे गए थे पिछली बार जब चुनाव की घोषणा हो रही थी तब भी ये सवाल पूछे गए, तब मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से एक किताब का हवाला दिया गया जिसमें उन सवालों के सभी जवाब खारिज करते हुए तकनीकी तौर पर ये स्पष्ट किया गया कि ईवीएम में वो छेड़खानी संभव नहीं है, और इसीलिए जो इस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उस पर उन्होंने शायराना अंदाज में टिप्पणी भी की थी, यानी अगर कोई कसूरवार नहीं है तो ईवीएम को कसूरवार ठहरा दीजिए। तो इसमें ये जरूर है कि इस पर अपनी बातें रखते हुए चुनाव आयोग ने साफ किया था। अब ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद चुनाव आयोग को यहाँ पर ये जो उनका मुद्दा था और प्रमुख तौर पर वो अपने अपने बात रखते थे उसको और बल मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जो ये मांग खारिज हुई है निश्चित तौर पर एक नई चर्चा जरूर छेड़ती है, लेकिन साफ है कि एक लंबी चर्चा के बाद ये सुप्रीम फैसला आया है, तो निश्चित तौर पर इसके अपने मायने हैं कानून के नजरिए से भी, और जो गाये बगाए सवाल उठाए जाते थे उन पर भी विराम लगाने की कोशिश यहाँ पर निश्चित तौर पर स्पष्ट हुई है। तो ये जरूर है कि ये फैसला एक नई राजनीतिक बहस जरूर छेड़ेगा। चलिए प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा है इस मसले पर वो आपको दिखा रहे हैं। टुडे द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स जजमेंट ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट। आवर डिमांड वाज दैट बिकॉज द ईवीएम्स हैव अ प्रोग्रामेबल मेमोरी एंड देयरफॉर कैन बी मैनिपुलेटेड, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड पब्लिक एप्रिहेंशन अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द ईवीएम्स, One of the three things could be done. Either you go back to paper ballots or you give the VVPAT slip in the hands of the voter which can be put in the ballot box and then counted, or in the alternative the black glass of the VVPAT machine should be made transparent or at least the light should be remain on for all the time so that people can see what is happening inside the VVPAT. And also 100% counting of the VVPAT slips. The court has not accepted our demands, but जी. has directed the election commission to examine that if bar codes can be put on the ballot on the VVPAT slips so that the VVPAT slips can be mechanically counted by a counting machine. Also, secondly,